नमस्कार दोस्तों, मैं आज एक नया रेसिपी बनाने जा रहा हूँ जो हम लोग का चावल का खीर। आज हम लोग का एक बकरीद है, उसके स्पेशल से हम एक खीर बनाने जा रहे हैं। वो आपके पास डाल रहे हैं कि आप बनाओ, घर में खाओ, कैसा लगा कमेंट करके बताओ। उसके लिए मैं लिया हूँ, ये हो गया शुगर जो चीनी बोलते हैं, और थोड़ा काजू, वो थोड़ा गुजराती होता है, छोटा इलायची होता है, और उसके बाद थोड़ा किशमिश आप ले सकते हैं, बादाम भी ले सकते हैं। फिलहाल अभी हम लोग के पास स्टॉक नहीं है, इसलिए मैं ऐसे ही बना रहा हूँ। तो थोड़ा घी, गाय का घी भी लिया हूँ। तो हम बनाएंगे अभी, अभी गैस चालू किया। ये हम अभी घी डालेंगे, थोड़ा सा डालने के बाद थोड़ा हम लोग का कलर के लिए, जैसा जो ब्राउन कलर होता है ना, थोड़ा शुगर को करमल कर देंगे। देखिए अभी जल रहा है कैसा। थोड़ा काला करमल हो जाएगा, फिर इसमें हम लोग दूध ऐड करेंगे। जल गया है, अभी दूध ऐड किए हैं हम लोग। लगभग 1 लीटर हम लोग दूध लिए हैं, उसके साथ पानी डाले हैं, क्योंकि चावल तो है, चावल का खीर बनाएंगे। तो ये है चावल, हम लोग भिगा के रखे हैं पहले से। ये देखिए कम से कम ये आधा घंटा भिगा के रखेंगे ये चावल होता है, तो जल्दी बॉयल हो जाएगा। अभी देखिए हम लोग कम से कम जो दूध जो डाले थे, दूध डालने के 10 मिनट के बाद जगह दूध में उबाल आया है। तो हम लोग उसमें जो हम लोग अभी चावल का खीर बनाएंगे ना, चावल इसमें ऐड करेंगे, जो भी भिगा के रखे थे उसका पानी निकाल चुके हैं वो ऐड करेंगे। कम से कम इसको आधा घंटा ऐसा पकाना पड़ेगा, पूरा चावल पूरा एकदम पूरा मेल्ट हो जाएगा, पूरा घुल जाएगा, जो खीर है वो पूरा गाढ़ा हो जाएगा, खाने में बहुत मज़ा आए। इधर हम लोग उड़ीसा में शादी में कोई ऐसा त्यौहार में घर में मेहमान आए तो खीर बना के खिलाते हैं, बहुत मज़ा आता है। इधर उसको हम लोग के भाषा में पायस बोलते हैं। आप बना के कभी घर पे खाना, कैसा लगा कमेंट करके बताना, और ज़रा लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, और हम लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, जैसा हम लोग नया नया खाना बना के छोड़ें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। बहुत रिस्कफुल है इसको बनाने में, जैसा नीचे लग ना जाए, थोड़ा कभी कभी मारते रहना है इसको, जब लग जाएगा तो स्मेल आएगा तो सब खराब हो जाएगा। सबसे बहुत अच्छा ये खाना है ये। देखो कैसा उबाल आ रहा है अभी।
सबसे ज़्यादा टाइम लगता है खीर बनाने में, पूरा आराम से बनाएंगे इसको, जल्दी ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करने का। इसके साइड में जो लग रहा है इसको थोड़ा कोर निकाल देंगे, बहुत ये बहुत अच्छा लगेगा खाने में, मलाई की जैसा है ये वाला। अभी देखिए थोड़ा कितना हम लोग का जो दूध है थोड़ा सूख गया है, चावल मगर अभी तक गीला नहीं, चावल और भी पकेगा कि जो है हम लोग का मलाई है ये बहुत खाने में और भी गाढ़ा होगा, ये मलाई से निकल रहा है दूध का। थोड़ा टाइम टेकिंग है लेकिन खाने में बहुत मज़ा है, थोड़ा इसको केयरफुली बनाने का। अब देखिए लगभग बन चुका है, जो हम लोग का चावल है वो भी खुल चुका है, तो इसमें अभी हम लोग शुगर ऐड करेंगे। शुगर ऐड कीजिए, तक पूरा बन चुका है। इसमें हम लोग थोड़ा जो गुजराती होता है कड़म उसको ऐड करेंगे। और इसमें हम लोग का जो ड्राई फ्रूट्स होता है ग्रेप, जो ग्रेप होता है उसको ऐड करेंगे। और उसके बाद हम लोग का जो काजू होता है उसको ऐड करेंगे। उसका थोड़ा हम लोग गाय का घी होता है वो डालेंगे। ये बन के तैयार है, बन के पूरा तैयार है। इसको हम लोग थोड़ा ठंडा हो जाने के बाद इसको खा सकते हैं, बहुत मज़ेदार है। एक बार आप खा के देखो कैसा है, फिर कमेंट करके बताना। जो हम लोग का पायस वह तरह का तैयार है, पायस जो हम लोग खीर बोलते हैं उसको हम लोग अभी खाएंगे, टेस्ट करेंगे, बहुत मज़ेदार है। आप जब एक बार खाएंगे तो भूलेंगे नहीं कभी भी, बहुत मज़ेदार है।
बहुत सुंदर है।